भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। जहां तक पिछले चुनाव में एक कदम बढ़कर के हम सभी लोगों ने मांग की कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, यही हमारा संविधान कहता है और यही मूल भावना थी मंडल कमीशन की, यही बाबा साहब चाहते थे, यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे, यही नेताजी का रास्ता रहा। ये जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये रखवाली करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि इधर जागरूक जनता इनके खिलाफ मतदान कर रही है। पहला सवाल यह है कि यही लोग आरक्षण को लेकर के जो आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेटरल एंट्री हुई थी तब कहां थे? वाइस चांसलर जो अपॉइंट हुए दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से, जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं उसमें कहीं पीडीए परिवार के लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पीडीए परिवार के लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे। जो दिल्ली की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगर हम उसके नौकरी के आंकड़े निकालें तो वहां पर पीडीए परिवार के आज तक जब से यूनिवर्सिटी बनी है और आज तक 15% भी पीडीए परिवार नहीं है। और यही हालत बीएचयू यूनिवर्सिटी की है जहां से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं। तो अगर हम ये दो यूनिवर्सिटी का देख लें और वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट देख लें और वाइस चांसलर ने जिनको नौकरी दी है उनके हम आंकड़े देख लें, तो आप पाएंगे कि इस सरकार में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। आरक्षण की मूल भावना से ये अलग हुए हैं या आरक्षण के पक्ष में नहीं है।